हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम प्रियंका है और आज हम बनाने जा रहे हैं भिंडी की सब्ज़ी। हम भिंडी मसाला बनाएंगे, तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक पैन लिया है और मैं इसमें करीब डाल दे रही हूँ 2 से 3 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें ऑयल डालूँगी। ये देखिए ऑयल मैंने डाल दिया है, ऑयल गर्म हो रहा है, ऑयल गर्म हो चुका है। मैं इसमें करीब डाल दे रही हूँ 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ और मैं इसमें डालूंगी थोड़ी सी हींग। भिंडी की सब्जी में हींग ज़रूर डालना चाहिए। थोड़े से मैं यहाँ पे कड़ी पत्ता का इस्तेमाल कर रही हूँ। और थोड़ा सा मैं यहाँ पे डालूंगी गार्लिक। ये गार्लिक मैंने इस तरीके से 2 से 3 गार्लिक जो मैंने ये बिल्कुल बारीक से चॉप कर लिए इन्हें, वो मैं इनमें डाल दूंगी। और अब हम इसको लाइट ब्राउन होने तक इसी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा जो लहसुन है हल्का सा लाइट ब्राउन हो चुका है, हमें इसे ज़्यादा नहीं करना है। और मैंने यहाँ पे करीब 250 ग्राम भिंडी ली है। भिंडी को मैंने धो के पोंछ के इस तरीके से इसको पहले हाफ करा है, बीच में से फिर इसके 2-2 इंच के इस तरीके से पीसेस इसके कट करेंगे। आप चाहें तो इसके जो कटिंग है अपने अनुसार इसको कर सकते हैं, आप इसको गोल भी काट सकते हैं, वो मैं इसमें डाल दे रही हूँ। अब हमें इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। मैंने अपनी गैस का फ्लेम जो है इसको स्लो कर रखा है। हम इसमें मसाले ऐड कर देते हैं। मसालों में मैं सिर्फ यहाँ पे लूँगी 1 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च ली है मैंने ये यहाँ पे। थोड़ा सा मैं इसमें लूँगी हल्दी पाउडर, 1/2 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें हल्दी पाउडर इस्तेमाल करूँगी। और 1 टेबल स्पून के करीब मैं इसमें नमक का इस्तेमाल करूँगी। ये देखिए अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। ये देखिए मसाले अच्छे से कोट हो गए हैं भिंडी के ऊपर। अब मैं इसमें डाल दूंगी, मैंने 2 जो है मीडियम साइज के प्याज, इसको इस तरीके से स्लाइसेस में मैंने काट रखा है, वो अब मैं इसमें डाल दूंगी और इसको फिर से अच्छे से मिक्स करूंगी ताकि ये प्याज भी इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। प्याज की क्वांटिटी आपको जितना आपने भिंडी ली है, अगर आप उस क्वांटिटी में ही इसमें भिंडी की सब्जी में प्याज डालते हैं तो इसका जो टेस्ट होता है वो कुछ डिफरेंट ही होता है और अच्छा लगता है। तो मैंने इसमें इसीलिए 2 प्याज लिए हैं 250 ग्राम भिंडी में। ये देखिए हमारा जो प्याज है अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसे 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हमें इसे ज़्यादा देर के लिए नहीं ढकना है, केवल 2 मिनट के लिए हम भिंडी को ढकेंगे, उसके बाद इसको खोल के ही पकाएंगे। ये देखिए फ्रेंड, 2 मिनट हो चुके हैं, भिंडी को खोल ले रही हूँ और इसको फिर से एक बार अच्छे से चला देंगे। ये देखिए कितना अच्छा कलर आया है इसका। अब हम इसको गैस ऐसे सिम पे छोड़ के इसको इसी तरीके से पकने देंगे। इसको पकने में करीब 5 से 7 मिनट लगेगा। हम इसको बीच बीच में से चलाते रहेंगे ताकि भिंडी नीचे से लगे नहीं। मैं एक बार भिंडी को और चला देती हूँ। 1-2 मिनट हो गए, नीचे से लग रही होगी। हम इसको पूरे पैन में भिंडी को फैला देंगे ताकि ये अच्छे से
पक जाए और लगे नहीं। एक बारी मैं और चला लेती हूँ इसको। ऑलमोस्ट हमारी ये भिंडी जो है पक गई है, लेकिन अभी हमें इसको 1 से 2 मिनट के लिए और पका लेते हैं, तो ये अच्छे से अंदर से भी स्टीम हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी भिंडी ऑलमोस्ट बन चुकी है पूरा इस स्टेज पे। ये देखिए मैं इसमें जो है भिंडी का इसमें पीछे से यूँ करके देख रही हूँ, टूट जा रही है, इसका मतलब ये अच्छे से पक चुकी है। और मैं अब अपना गैस जो है बंद कर दे रही हूँ और अब इसको एक बाउल में निकाल लेते हैं। Thank you.